सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत। वेलकम टू न्यू इंडियन एरा। और गाइज, बहुत सारे बच्चों ने बोला कि हमें कैसे स्टार्ट करना है स्टडी, 60 डेज सिर्फ अपने पास बचे हैं, तो इन 60 डेज में आखिरकार कैसे शुरुआत करनी है। तो गाइज, आज मैं एग्जैक्टली कैसे, अगर एक मैं स्टूडेंट होता तो मैं कैसे स्टडी करता, वो पूरा रूटीन, डेली रूटीन आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो चलिए गाइज, डेली रूटीन की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना और अपने सारे फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना। और ये वीडियो बहुत ही इफेक्टिव होने वाली है, आप सबको बहुत मजा आएगा देखने में भी, और इसको फॉलो करोगे तो बहुत ज़्यादा फायदे में रहोगे, ये तो पक्की बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए गाइज, अभी मैं यहाँ पर अपने पास में सारी बुक्स रख लिया हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। अभी मैं एज अ स्टूडेंट हूँ, मैं टीचर जैसा कुछ भी बिहेव नहीं करने वाला, मैं एक स्टूडेंट जैसा अभी यहाँ पे आप लोग को बताऊंगा कि कैसे मुझे पढ़ना है। तो मैंने वाटर बॉटल रख लिया है, तुम्हारे घर में अगर लैपटॉप कंप्यूटर वो रख लिया, क्योंकि गूगल वीगल का भी इस्तेमाल करना है अपने को। बहुत सारा स्मार्ट तरीके से आपको बहुत कुछ बताऊंगा, जिसके पास अवेलेबल नहीं है तो वो मोबाइल तो है ना भाई, और क्या ही चाहिए, ठीक है। सो इस तरीके से आपको बस मेरे से सीख लेनी है, चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए तुमको मेरे से सीख लेनी है, पूरा देखना वीडियो को डेफिनेटली। तो सबसे पहले एज अ स्टूडेंट कि मैं जब मॉर्निंग में उठा और मैं कैसे शुरुआत करूँगा, सुबह 6:30 बजे मुझे उठ जाना है, मैं उसी तरीके से उठ गया हूँ और अब शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टू डू लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आज दिन भर क्या करूँगा, मैं क्या क्या पढ़ूंगा एग्जैक्टली, इसकी प्रॉपर एक लिस्ट बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं बना लेता हूँ कि आज मैं क्या क्या पढ़ने वाला हूँ। तो फटाफट अभी हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो एग्जैक्टली सबसे पहले आज का मेरा टू डू लिस्ट क्या रहेगा, ये सबसे पहले अपन आज यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले एग्जैक्टली आज मैं क्या क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि आज मैं मॉर्निंग में 7 AM से पढ़ना चालू करूँगा, मतलब मैं 6 बजे उठ चुका हूँ, तो 7 AM से लेकर के मैं 9 AM तक करूँगा। सबसे पहले मैं फिजिक्स पढ़ूँगा और फिजिक्स का आज मैं रीडिंग करूँगा, कैसे रीडिंग करना है वो सब मुझे सोचना पड़ेगा। देन रीडिंग करने के बाद जब मैं रीडिंग कर लूँगा, इसी टाइम पे मैं फार्मूला लिखूँगा, इसी टाइम पे मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करूँगा। फिर उसके बाद 7 AM से 9 AM हो गया मेरा, फिर मैं 12 बजे, मेरा स्कूल है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कॉलेज विलेज जाके कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो 2 PM तक या 3 PM तक जैसा मेरा टाइमिंग है मैं अपने हिसाब से फॉलो करूँगा। तो यहाँ पर मैं इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज कैसे लर्न करना है, डाइजेस्ट का कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब देखूँगा ऐसे तरीके से। फिर मैं थोड़ा सा स्नैप लूँगा, सो जाऊँगा थोड़ा सा, देन आफ्टर दैट 4 to 5 PM को उठूँगा। तो 5 PM से लेकर के और 8 PM तक की स्टडी मैं करूँगा अच्छे से, मेरी क्लास है उस टाइम पे, अगर क्लास रहेगी तो मैं क्लास चला जाऊँगा, ठीक है, या फिर जैसा भी रहेगा सिस्टम, या तो फिर मैं NI के वन शॉट देख लूँगा इस टाइम पे और नोट्स कैसे बनाऊँगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। देन 10 PM मतलब बीच में मैं खाना वगैरह खाऊँगा, 9 PM से लेकर के 10 PM तक मैं कुछ खाना वगैरह थोड़ा सा ऐसा, फिर 10 PM से स्टार्ट करूँगा मैं पढ़ना वापस से, तो 12 PM तक मैं पढ़ूँगा, मतलब नाइट में AM तक, ओके। सो इस टाइम पे मैं जो भी मैंने पढ़ा उसको प्रॉपर तरीके से मैं रिवाइज़ करूँगा। तो ये मेरा आज की टू डू लिस्ट है, ओके। अब मेरा टाइम टेबल बन गया है, तो चलो फटाफट अब स्टार्ट करते हैं स्टडी करना। सुबह सुबह हो गई, मेरे पास फिजिक्स की बुक है, फिजिक्स की बुक को तो मैंने एक साल इतना खतरनाक यूज़ किया है कि पूरा हो गया। तो सबसे पहले तो अभी फिजिक्स की बुक को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स की बुक को पहला अभी मैं देखूंगा कि भाई कौन कौन सा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जैक्टली अपना पुराना आदत है पढ़ने का। तो सबसे पहले यहाँ पर अभी एग्जैक्टली हम लोग देखेंगे कि मेरा रोटेशनल डायनेमिक्स तो पहले भी पढ़ के हुआ है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी मेरा आधा हो गया है, अभी मैं पढ़ के भी दिखाऊंगा कैसे फटाफट रिवाइज भी करना है, और काइनेटिक थ्योरी भी गैसेस आसान है, और थर्मोडायनेमिक्स तो मेरे केमिस्ट्री के लिए भी काम आएगा, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए भी थर्मोडायनेमिक्स करना पड़ेगा। बात आती है ऑसिलेशन की, तो ज़्यादा वेटेज का ही इसे नहीं छोड़ सकता, सुपरपोजिशन ऑफ वेव कंफ्यूजिंग टॉपिक है, वेव ऑप्टिक्स थोड़ा हार्ड है, छोड़ दूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंपॉर्टेंट है इसको करके जाऊँगा, और फिजिक्स 2 के कुछ आसान आसान टॉपिक्स हैं जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मटेरियल, इन दोनों चैप्टर को नहीं छोड़ सकता, ठीक है। और लास्ट में अगर मुझे करना है तो 14 चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, इसको कर लूँगा,
बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत बड़ा चैप्टर है उसको नहीं, और 15वां चैप्टर थोड़ा हार्ड है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो इतने चैप्टर मैं कोशिश करूँगा फटाफट इन 60 दिनों के अंदर 60 डेज के अंदर कवर करने की। तो चलिए फिर अब फिजिक्स के पहले चैप्टर से शुरुआत करता हूँ। पेंसिल कहाँ है मेरी, पेंसिल एंड रबर। मुझे सबसे पहले क्या करना है, मेरा टाइमिंग है रीडिंग का, 7 to 9 AM तक मुझे मॉर्निंग में रीड करना है। तो चलो अब फटाफट रीड करता हूँ। मैंने बगल में अपना लैपटॉप खोल रखा है कि कुछ गूगल वगैरह काम आएगा तो, वैसे मेरे पास मोबाइल फ़ोन भी है तो मैं मोबाइल फ़ोन का भी अच्छा खासा इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं यूट्यूब की वीडियोस हर जगह का फ़ायदा उठाऊँगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। यहाँ पर पहला चैप्टर है हमारा रोटेशनल डायनेमिक्स। तो फटाफट अभी अपने को कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा मुझे, है ना। तो एग्जैक्टली रोटेशनल डायनेमिक्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायनेमिक्स, इफ़ आई नो, तो मुझे इतना बुद्धू तो नहीं हूँ, मुझे पता है कि मूवमेंट होता है, मोशन। अभी यहाँ से पढ़ते हैं, सर्कुलर मोशन इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आर डेली लाइफ। व्हाट इज़ सर्कुलर मोशन, आई डोंट नो, फट मैं यहाँ पे जाता हूँ, फटाफट सर्च कर लेता हूँ सर्कुलर मोशन क्या है, ठीक है। यहाँ पे सर्च कर देता हूँ तो मुझे मालूम पड़ जाएगा। इन फिजिक्स सर्कुलर मोशन इज़ अ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल और रोटेशन अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा साइड में कि सर्कुलर मोशन अलॉन्ग सर्कुलर पाथ, ठीक, डन। एवरी डे वी कम अक्रॉस सर्कल रिवॉल्विंग और रोटेटिंग रिजिड ऑब्जेक्ट, ओके। ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन द ऑब्जेक्ट, एवरी पार्टिकल इन द ऑब्जेक्ट अंडरगोस सर्कुलर मोशन अबाउट सम पॉइंट्स आउटसाइड द ऑब्जेक्ट और अबाउट सम अदर ऑब्जेक्ट। व्हाइल ड्यूरिंग रोटेशन द मोशन इज अबाउट एक्सिस ऑफ अ रोटेशन पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ गया। ऐसे करते करते यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे नोट कर लेता हूँ, इसे लर्न कर लेता हूँ कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिया हुआ, एक्सिलरेटेड मोशन होता है, ये पीरियडिक मोशन होता है। व्हाट इज पीरियडिक मोशन एग्जैक्टली, सो इस तरीके से इसको मैं लर्न कर लेता हूँ, फटाफट मैंने इसे लर्न कर लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। चलो फटाफट अभी इसको नोट डाउन भी करते जाता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी होने वाली हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसको मैं नोट डाउन भी करते जाऊँगा क्योंकि मेरे लिए कुछ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, चलिए। सो इंपॉर्टेंट कोई फार्मूलाज वगैरह मिलेगा तो इसे नोट डाउन कर लूँगा। ओके, सबसे पहले मुझे मिल चुका है इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ रोटेशनल डायनेमिक्स। पढ़ने के टाइम पे ही फार्मूला मुझे नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले मुझे मिल गया एंगुलर एक्सेलरेशन का। अब टेक्स्ट बुक तो बार बार पढ़ नहीं सकता तो यहाँ ऐसे मार देता हूँ गोला, और यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दूंगा एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक फार्मूला मिल गया, मैं आगे बढ़ते हैं। कोई भी अगर सॉल्ड एग्जांपल के भी फार्मूले अगर मुझे मिलते हैं तो इनको भी मैं टिक मार्क करके अपने पास रख लूँगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी सेंट्रिपिटल फोर्स रिड्यूस सिलेबस नहीं पढ़ना है तो सेंट्रिपिटल फोर्स का फार्मूला भी मैं साइड में लिखते जाऊँगा, mv² / r, ये यहाँ लिखा हुआ है। इसको यहाँ पे मैं भी लाइन मार दूंगा, टिक कर दूंगा क्योंकि ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, सेंट्रिपिटल फोर्स भी पढ़ लेता हूँ, फट रीड करते जाऊँगा सारी चीज़ें। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी उनको मैं नोट डाउन करते जाऊँगा अपने यहाँ पर बुक में भी, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल, r ω² / g इज इक्वल टू v² / rg। इसे लर्न भी कर लेता हूँ कि कभी अगर मान लो ओमेगा दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा, जी दिया रहेगा, तो मैं इसको कैसे एग्जैक्टली करूँगा। ओके, कैसे एग्ज़ाम में जब काम आएगा तो पढ़ूँगा। तो fs इज इक्वल टू μSn, ये भी एक फार्मूला है। इस तरीके से सारा मेरा कंप्लीट यहाँ पर डायग्राम, इनको समझ लूँगा कौन कौन से फार्मूला है, सारे टॉपिक बीच बीच में डालते जाऊँगा। बैंक रोड के टॉपिक्स एग्जैक्टली कैसे होंगे, तो यहाँ पर जैसे कि n साइन थीटा, सारे के सारे फार्मूला जितने भी हैं टेक्स्ट बुक में हर जगह से मैं इनको लिखते जाऊँगा। यहाँ पर मोस्ट सेफेस्ट स्पीड का फार्मूला क्या है, फिर बैंकिंग का फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला क्या है, इनके सारे चीज़ों को करते जाना है। ओके, कॉनिकल पेंडुलम, ओके, इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, इसको भी यहाँ पर टिक मार्क कर लेता हूँ और ये सारी चीज़ें भी कर लूँगा। यार एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क ये नहीं समझ में आ रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क नहीं समझ में आ रहा है, क्या करना चाहिए। तो चलो कोई नहीं यार, अपने पास है सिस्टम अवेलेबल है तो अपन फटाफट जाएंगे सबसे पहले यूट्यूब के अंदर, और यूट्यूब ये खुल गया हमारा एग्जैक्टली, और यहाँ पे अपना न्यू इंडियन एरा जिंदाबाद, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर अभी अपन फ़ायदा उठाएंगे, सर्च करते हैं न्यू इंडियन एरा,
और यहाँ पर जाएंगे अंदर चैनल में और प्लेलिस्ट के अंदर अपने को मिल जाएगा एग्जैक्टली ठीक है। तो प्लेलिस्ट यहाँ पे हज़ारों बनी हुई है, कोई भी प्लेलिस्ट अपन फट से खोलेंगे जल्दी जल्दी। और अपने को यहाँ पे फिजिक्स की वीडियोस का प्लेलिस्ट जो क्लास 12th का है इसे देखते हैं, नहीं मिलेगा तो यहाँ लिख देता हूँ फिजिक्स क्लास 12th चैप्टर नंबर 1, ये आ गया पूरा वीडियो। अब अपन यहाँ पर सबसे पहले ओके ठीक है थोड़ा बढ़ा देते हैं अभी ठीक है। और अगर आप बोलो कि भाई हार्ड है तो फिर साइंस अगर सिंपल सी बात बोलो तो हार्ड ही। अरे यार तो आप ये सर बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ना, साइंस को सिंपल लेके चलो। चलो ठीक है ये मिल गया आपने को टॉपिक, रोटेशनल डायनेमिक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला अपने को सिस्टम मिल चुका है ठीक है। ये बात ध्यान रखना, इसके पहले फिर हमने ये हमेशा याद रखना आप लोग कि जो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है सिर्फ यही चेंज होती है, यही डायनेमिक होती है, जबकि स्पीड एंड एक्सीलरेशन चेंज नहीं होता। एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कुछ भी यूनिफॉर्म चेंज होता है, सब चेंज होते हैं, वेलोसिटी भी चेंज हो गया, स्पीड भी चेंज होती है और एक्सीलरेशन भी चेंज होता है। बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप बोलोगे कि एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज होना चाहिए, वेलोसिटी एक्सीलरेशन के ऊपर डिपेंड है या फिर एक्सीलरेशन वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है। तो इसके लिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रेडियल एक्सीलरेशन अप्लाई होता है ना कि नॉर्मल एक्सीलरेशन। समझ गया, इस बात को आपको एकदम अच्छे से याद रखना। इसके पहले के सारे पार्ट्स में हमने इन सारी चीजों को अच्छे से पढ़ा है। अब हम ट्रेसिंग अ बॉडी टेंडेंसी टू रेजिस्ट एंगुलर एक्सीलरेशन। अब बोलोगे आप अभी तो मैंने फोर्स बताया, तो सिंपल सी बात है भाई, जब आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करोगे तो वो बॉडी मूव करेगी, यानी कि उस बॉडी में एक्सीलरेशन क्रिएट होगा। तो जो एक्सीलरेशन क्रिएट होगा ना उस एक्सीलरेशन के अगेंस्ट इस बॉडी का अपोज होता है, यानी कि इनडायरेक्टली फोर्स के अगेंस्ट है। समझ गया कि नहीं, तो ये बात को आपको ध्यान रखना है कि एक्सीलरेशन फोर्स से ही डिपेंड होता है, मतलब फोर्स अप्लाई करोगे तभी एक्सीलरेशन क्या करेगा प्रोड्यूस होगा किसी भी बॉडी में। तो ए क्वांटिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग अ बॉडी tendency to exist angular acceleration which is the sum of the product of mass of each particle in the body with the square of its distance from the axis of rotation। तो ये जो मैंने अभी यहाँ पे moment of inertia concept बताया है ये यहाँ पे मैंने normal आपको बताया है एकदम normal सा ठीक है। अभी यहाँ पे आपको एकदम समझ के लेना है सारी, जितने भी ज्यादा masses बात आपको समझी होगी। अब ना हम इस definition को यहाँ पे proof इसको आपको समझना है, प्लीज देखते हैं अभी। अब हम यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी लिखना ध्यान से, आपने जो भी पढ़ा है ना सारा कंसेप्ट आपका क्लियर कर देगा, सब कुछ आपको समझा देगा। समझ गया, तो चलो ध्यान देते हैं। यहाँ पे दो चीज मैंने यहाँ बना दी है, कोई तो अभी मेरा रीडिंग करके हो गया है अच्छे से, मतलब मैंने सारे फार्मूला को पॉइंट कर लिया, मैंने सारी डेफिनेशंस को लिख ली और सारे फार्मूलाज को मैंने अच्छे से रीड कर लिया, याद कर लिया उन्हें। दो घंटे मेरे पास थे पूरे, हमने दो घंटे बिताए और कंप्लीट तरीके से हमारा यहाँ पर हो गया, सारी चीज़ें रीड किया, पढ़ा, फार्मूलाज को पॉइंट आउट किया, इन सारी चीज़ों को हमने ध्यान से रखा है। अब एग्जैक्टली गाइज हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज को याद करेंगे। तो अब थोड़ा सा 7 से 9 तक मैंने मॉर्निंग में पढ़ लिया, तुम्हारे पास कोई और टाइम रहेगा तुम वो टाइम को इस्तेमाल कर सकते हो। अभी अपन क्या करेंगे, हमने जब रीडिंग किया तो हमने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स सब कुछ हमने देखी और कैसे नोट डाउन किया, डेफिनेशंस है, कुछ सॉल्व एग्जांपल से फार्मूलाज मिल गए, कुछ केसेस मिल गए, तो इस तरीके से हमने उसको अच्छे से सॉल्व आउट किया है। अब एग्जैक्टली अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि अपन ने रीड कर लिया, याद कर लिया, दो घंटे में आराम से फटाफट सारी चीज़ें होती हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हमें करना होता है तो आराम से हो जाता है। अब अपन एक्सरसाइज करेंगे, अभी अपने को फटाफट एक्सरसाइज करना है। एक काम करते हैं यार, अपन ने जो रीडिंग की है तो रीडिंग के अभी अपने को फटाफट करने का, तो एक काम करते हैं फटाफट वन शॉट देख लेते हैं ठीक है, क्योंकि अगर हम वन शॉट देख लेंगे तो जल्दी से अपना कवर हो जाएगा और एक बार रिवाइज भी हो जाएगा अच्छे से। और न्यू इंडियन एरा में वन शॉट तो अवेलेबल ही है क्योंकि ऑलरेडी 6 दिसंबर से चालू हो चुका है, तो ये रीडिंग करने से तुरंत पहले ना मैं वन शॉट कर लूँगा। फिजिक्स वन शॉट चैप्टर 1 बाय न्यू इंडियन एरा, ओके हो गया, ओके ये मिल गया ठीक है। तो यहाँ पर अपने अभी अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही चालू हुआ है, एग्जैक्टली बोल दिया
अपने अजय सर पढ़ा रहे हैं, क्या बात है। तो नोट डाउन करता हूँ सारे पॉइंट फटाफट, ऐड देख लेता हूँ यार, सर को थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि सर सब कुछ हमें फ्री में दे रहे हैं, तो ऐड्स देखेंगे थोड़ा सा, तो सर को स्पीड कर देता हूँ, स्पीड बढ़ा देता हूँ, अपने को टाइम कम है। ये वाली चीज मुझे आती है तो स्किप कर देता हूँ इसको, चलो आगे बढ़ो। दो चीज मुझे पता मतलब अपने को रिवाइज करना है तो मैं क्यों वो चीज दिखूं जो मुझे आती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब फटाफट वन शॉट देख लिया रिकॉर्डेड वाला, अब एक्सरसाइज चालू करते हैं। तो अपने पास फिजिक्स की डाइजेस्ट है, ओके। तो मेरे पास टारगेट कोई भी डाइजेस्ट से मैं पढ़ूंगा, फ़र्क नहीं पड़ता। तो अपन एक्सरसाइज के पूरे चीज़ों को फटाफट यहाँ पे करते हैं। तो पूरा एक्सरसाइज की सारी थियरी, MCQs और स्मॉल न्यूमेरिकल पूरा आज 2 घंटे में ख़त्म करूँगा और शाम को पूरा रिवाइज करूँगा। चलो ठीक है, तो लर्निंग करना चालू करता हूँ। सबसे पहले यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस मतलब करेक्ट चूज दी करेक्ट ऑप्शंस फटाफट लाइन टू लाइन सारे MCQ याद हो गए इस तरीके से। फिर आंसर्स इन ब्रीफ, तो वाई आर कर्व्ड रोड बैंक्ड, तो इसका क्वेश्चन आंसर ढूंढूंगा एंड देन उसको पढ़ना चालू करूँगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए सारे क्वेश्चन को समझ लेता हूँ, एक्सरसाइज कम्प्लीट हो जाएगा अपना। एक्सरसाइज कम्प्लीट होगा फिर उसके बाद न्यूमेरिकल स्मॉल वाले ही करूँगा। किस तरीके से जब मैंने पढ़ा था तो कैसे कौन से यूज़ हुए थे सारे फार्मूलाज में, तो सबसे पहले वो देखेंगे। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। डिस्क रिवॉल्व्स विद स्पीड, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम स्पीड से रिलेटेड, मतलब क्वेश्चन कैसे आते हैं जो हमने पढ़ा था, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जब मैं उस टॉपिक को पढ़ रहा था तब क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन किस लेवल के बनते, सारे क्वेश्चंस को देखते जाऊंगा, मेरे लिए मैटर नहीं करता कि कौन सा क्वेश्चन किधर से, फटाफट करना पड़ेगा। ओके, एक्सप्लेन लिमिट, ओके, ये रहा ये वाला क्वेश्चन। वाई आर कर्व्ड रोड बैंक्ड बाय टेकिंग टर्न ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द व्हीकल एंड द रोड प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स। बहुत बढ़िया, याद हो गया, ध्यान रखते हैं इसको एग्जाम में। ओके, तो एक्सरसाइज हो जाएगा तो फिर अपना एक चैप्टर खत्म पढ़ के, और फटाफट पढ़ेंगे स्पीड से तो हो जाती सारी चीज़ें। चलिए ठीक है, तो एक्सरसाइज अभी अपना खत्म हो गया फटाफट। अब बड़े बड़े क्वेश्चन बाद में करेंगे क्योंकि अभी स्मॉल क्वेश्चन और छोटे क्वेश्चन ही करने हैं। जब अपने को थोड़ा सा हिम्मत आएगी तो बड़े क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलो अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो प्रैक्टिस सेट की मेरे पास बुक अवेलेबल है। प्रैक्टिस सेट की बुक में से देख लेते हैं कि कितने मेरे को क्वेश्चन आते हैं। इसमें प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे खासे दिए हुए हैं। डाइजेस्ट के पीछे यहाँ पे बहुत से फार्मूलाज है, सारे फार्मूलाज याद करना है। डाइजेस्ट के पीछे मस्त मेमोरी मैप भी दिया हुआ है, व्यू वगैरह मस्त यहाँ पे, तो सब कुछ मैं सारे फार्मूलाज याद कर लूँगा। और क्वेश्चंस दिया हुआ है, इन क्वेश्चंस से मुझे पता चलेगा कि आखिर मुझे कितना आता है। टॉपिक टेस्ट यहाँ पे एग्जैक्टली सेक्शन ए, तो मैं सारे क्वेश्चंस को देख लेता हूँ क्या मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाता हूँ। यस, तो स्टेट द फॉलोइंग टर्म्स सिंपल पेंडुलम, मैंने पढ़ा था, जानता हूँ मैं सिंपल पेंडुलम भी जानता हूँ। ये क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ तो ये क्वेश्चंस भी मुझे आता है, ठीक है। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रिप्रेजेंट कॉनिकल पेंडुलम, तो डायग्राम मैंने देखी थी, एक बार और फटाफट देख लेता हूँ इस क्वेश्चंस को।
जो मुझे नहीं आएगा तो कैसा रहता है ना, भूल जाता है मेरे को बहुत जल्दी यार। मतलब अभी अभी पढ़ा था तो भूल गया, तो फिर फटाक से इसको कॉनिकल पेंडुलम के डायग्राम देख लेता हूँ। कहाँ पर ये रहा कॉनिकल पेंडुलम, ठीक, तो कौन से फ्रेम में, इनर्शियल फ्रेम में और नॉर्मल फ्रेम में कैसे वर्क करता है ये समझ गया, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय टायर्ड टू अ रूट, मास टायर्ड टू रूट डिफरेंट फ्रॉम द मास टायर्ड टू स्ट्रिंग, ओके ठीक है, ये तो समझ गया अपना एक्सप्लेन द फॉलोइंग का है। और ठीक है चलो, तो ठीक है मुझे 70% क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, ये हुआ फ़ायदा। तो प्रैक्टिस भी हो गई प्रैक्टिस सेट की बुक से। चलो तो फिजिक्स का पहला चैप्टर मेरा आज हो चुका है और अब 5 बजे से शुरू होंगे, जब भी मैं पढ़ूंगा तो 5 बजे से वन शॉट शुरू होगा न्यू इंडियन एरा के अंदर, तो उन सारे वन शॉट वीडियोस को ध्यान से मैं पढ़ूंगा और नोट डाउन भी करते जाऊँगा। तो अभी सर लाइव आएंगे 5 बजे, तब हम लोग पढ़ेंगे। जब सर लाइव आएंगे, टाइम टेबल तो मिल ही गया है मेरे को टेलीग्राम के अंदर, तो उस टाइम टेबल के हिसाब से 5 बजे का टाइमिंग फॉलो हमेशा करूँगा, इस तरीके से पढ़ूंगा। वन शॉट कवर हो जाएगा तो फिर थोड़ा सिस्टम ही बन जाएगा अपने को, कोई टेंशन की बात नहीं है। वाओ बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। सो अभी 5 बजे वन शॉट में मिलेंगे, तब तक अभी तो 3 बज गया ना, तो अभी अपन 3 बजे तक पढ़े, थोड़ा टाइम ज़्यादा टाइम गया, 5 बजे चालू करेंगे वन शॉट, तब तक सो जाता हूँ बढ़िया अच्छी तरीके से, अभी ठीक है। ओके चलो, ये रहा बायोलॉजी का सेशन चालू होने वाला है, वैसे भी लाइव रहेगा तो मज़ा ही आने वाला है पढ़ने में, ठीक है। वैसे सर ने बहुत खतरनाक स्ट्रेटजी बताया भाई। चलो चैप्टर 2 का आज लाइव है, सो लेट्स फटाफट ये सारी बातें ध्यान रखना, नोट डाउन करना है। मेल फीमेल का एक ही फ्लो चार्ट के अंदर सब सर जो भी पढ़ाते जाएंगे उसको लिखते जाऊंगा फटाफट, मतलब ज्यादा झंझट मारी नहीं होना चाहिए भाई, सीधा एकदम फटाफट एकदम आसान भाषा में सब समझा के यहाँ पे आप लोग को मैंने दे दिया। आगे बढ़ते हैं, अब किसी बच्चे को यहाँ तक कोई पक्का आता है। When I was in 2017 मैंने अपना बोर्ड एग्जाम दिया था 12th का, तो उस टाइम पे ये स्पर्म में हो रहा है, ओके ठीक है, ओवरी से निकलेगा ओवम बन के जो फॉलिकल है, जर्माइनल एपिथेलियम, फॉलिकल, सारी चीजों को बहुत डेडिकेशन के साथ मुझे पढ़ना पड़ेगा। ये निकलेगा यहाँ से ओवम, ओवम यहाँ से निकलेगा, ओवम हैप्लॉइड होता है, ओवम हैप्लॉइड होता है, ओविडक्ट में जाएगा, ओविडक्ट में कैसे ट्रेवल करेगा, तो सबसे पहले ओविडक्ट में जाएगा, ओविडक्ट से जो वो ऐसा पकड़ के रखता है, मतलब ओवम का मूवमेंट, फंडस सबसे पहले फिम्ब्रे, फंडस से फिर फंडस एम्पुला में आके बैठ जाएगा, फिर एम्पुला में आके बैठ जाएगा, एम्पुला में आके बैठ जाएगा, ये एम्पुला में आके बैठ गया, ठीक है, एम्पुला में आके बैठ गया बस, अब स्पर्म जाएगा उसको फर्टिलाइज मारेगा और बच जाएगा इससे जायगॉट। तो यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई? हां समझ में आ गई, पूरा फ्लो चार्ट भी मैंने एक ही बार में सब समझा के आप लोग को दे दिया, थैंक यू सर, ठीक है। अरे माउली भूले कल से लो, चलो अभी थोड़ा सा स्पर्म के बारे में जान लेते हैं। प्रोवाइड्स एनर्जी टू फ्लो द स्पर्म इनसाइड द फीमेल्स वजाइना, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टेल मूवमेंट को स्मूथ बनाता है, इसलिए स्पर्म को टेल होती है, मूवमेंट को टेल बाद में डीजनरेट जाती है, स्मूथ बनाता है जब फर्टिलाइजेशन होता है तब, ध्यान रखना। अब अपन बात करेंगे ओजेनेसिस की, ओजेनेसिस अपन अब किसकी बात करेंगे, अब अपन बात करेंगे ओजेनेसिस की, अपने को ओजेनेसिस के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जरा ध्यान देना। तो इसमें भी 3 फेज, वही यार वही है जैसे इंपर्मेंटल फेज में, वही मल्टीपल ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्युरेशन फेज, मैच्युरेशन फेज। इसमें भी प्राइमोर्डियल सेल, प्राइमोर्डियल सेल ही है वो, इसका होगा मल्टीप्लिकेशन 1 से 2, मतलब माइटोसिस होगा इसका, ठीक है, इसका भी यहां पे क्या होगा, माइटोसिस होता है इसका, यहां माइटोसिस, माइटोसिस में इतना मल्टीप्लिकेशन फेज का 2n बनता है, 2n का 2n माइटोसिस हुआ, देखो लिखा भी है माइटोटिक डिवीजन, मतलब माइटोसिस, तो प्राइमोर्डियल सेल का माइटोसिस होगा तो ओगोनिया बनेगा, ये सब नाम याद करने पड़ेंगे, एक फ्लो चार्ट बनाते जाता हूं मस्त, तो ओगोनिया होगा, इनमें से बाकी के सारे सेल डीजनरेट हो जाएंगे, डीजनरेट हो गए रिमेनिंग सेल, डीजनरेटेड उसका ग्रोथ होगा, उसको न्यूट्रिशन, जब रिवाइज करना रहेगा तो यही वाली नोट्स का एग्जाम के पहले इसी नोट्स को इस्तेमाल करूंगा, और सर ने भी नोट्स दिए उसको भी एक बार पढ़ लूंगा,
बाकी तो रीड किया है, मेमोराइज किया ही है, बायोलॉजी में एक्सरसाइज भी याद कर लूँगा। और रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में तो रिएक्शंस प्रैक्टिस कर लूँगा, तो वो भी कर लूँगा। ठीक है, चलो वैसे भी केमिस्ट्री के भी वन शॉट देखने हैं अपने, 8 बजे फिर से चालू होगा, मैथ्स का भी वन शॉट चालू होगा। मैथमेटिक्स के लिए सबसे पहले फार्मूला लिख लूँगा भाई, क्योंकि फार्मूला लिखूँगा तो फ़ायदे में रहूँगा। ठीक है, तो फार्मूला मैथ्स के लिए एंड देन स्टार्ट करूँगा चीज़ों को, तो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं अभी। अभी चलो अपन फिर दूसरे दिन का भी शेड्यूल देखेंगे कि आखिर कैसे करना है। ठीक है, ठीक है, चलो अभी केमिस्ट्री भी सेम तरीके से करना है। मैथमेटिक्स और बायोलॉजी की स्ट्रेटजी ऐसी बनाऊंगा मैं कि मैथ्स के अंदर तो सबसे पहले, और बायोलॉजी के वन शॉट 5 बजे से चालू हुए थे, उनको देख लिया, नोट्स बना लिया और मस्त हो गया इस तरीके से। तो अब रात हो गई है, अब थोड़ा सो जाते हैं, चलो कल उठेंगे फिर से 6 बजे। ओके, चलिए, सो अभी एक काम करते हैं, तो फटाफट देख लेता हूँ मैं। ओके, टेस्टिस, जर्मन एपिथेलियल टिश्यू, ओवम, हैप्लॉइड। ओके, ठीक है, फटाफट रिवाइज कर लेता हूँ। टेल मूवमेंट, ओजेनेसिस, ओगोनिया। ओके, ठीक है, फाइन। एंड फिजिक्स में मैंने नोट्स बनाई थी, तो फिजिक्स की नोट्स ओके यहाँ पर है। तो फार्मूला मैंने ये किया था, ये फार्मूला, ये क्वेश्चंस, ये वाले प्रैक्टिस के लिए किए थे, ये वाला फार्मूला, एंगुलर वेलोसिटी, जो वन शॉट के नोट्स देखे थे वो वाले भी फटाफट। चलो, तो ये सारे फार्मूला वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया, रिवीजन हो गया मेरा। चलिए, अब कल उठते ही क्या क्या करूँगा उसकी टू डू लिस्ट बना लेता हूँ। ये तो पेज ऐसा चिपक जाते हैं, इनको मलाई लगानी पड़ती है। चलो ठीक है, अभी अपना कल का टू डू लिस्ट रहेगा कि कल मैं उठते क्या करूँगा। तो कल मैं सबसे पहले केमिस्ट्री से शुरुआत करूँगा। आज मैंने फिजिक्स पढ़ा पूरा दिन, अब मैं कल केमिस्ट्री पढ़ूँगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री का फिर वही सेम तरीके से रीडिंग, फिर उसके भी इम्पॉर्टेंट फार्मूले, फिर उसके भी इम्पॉर्टेंट स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस करूँगा, फिर वन शॉट देखूँगा 5 बजे का, जैसा भी टाइम टेबल में रहेगा, वन शॉट के नोट्स बना लूँगा फटाफट, और फिर एक्सरसाइज दोपहर में याद करूँगा। ठीक है, इस तरीके से। और सोना रहेगा 12 बजे, सोने से पहले रिवाइज करूँगा। ठीक है, इस तरीके से स्टडी करूँगा। बहुत बढ़िया, चलो, तो ये सारा तरीका मेरा कल का रहने वाला है। बहुत बढ़िया, चलो, इस तरीके से 60 डेज तक कंटिन्यूसली विद डेडिकेशन करूँगा, पक्का अच्छे खासे मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलो रखते हैं, सो जाते हैं अभी। बहुत बढ़िया, अभी फटाफट इसको चलो कंप्यूटर बंद कर देते हैं, पानी वगैरह सब फटाफट रख के साइड में चलते हैं। ओके, सो हेलो एवरीवन, कैसे लगा आप लोगों को आज का प्यारा सा ये वीडियो? और एक्टिंग विक्टिंग मेरे को आती नहीं है, बट एक अच्छे से प्रॉपर तरीके से कैसे कैसे स्टडी करनी है, कहाँ पे कैसे पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, गूगल का इस्तेमाल कैसे करना है, यूट्यूब में से कैसे पढ़ना है, और उनको नोट डाउन करते जाना है, क्योंकि किसी का इतना अच्छा दिमाग नहीं कि वो सब कुछ याद रखेगा, सब कुछ मेमोराइज करके रख सकता है, नॉट पॉसिबल। तो एग्जैक्टली ना चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो भी आप देखोगे, जो भी पढ़ोगे गूगल से, यूट्यूब से या किसी के लेक्चर से, उसको नोट डाउन जरूर करना, क्योंकि जब एग्जाम होगी तो वो आपके काम आएगी, क्योंकि पूरी टेक्स्ट बुक, पूरा वीडियो आप एग्जाम के एक दिन पहले नहीं देख पाओगे ना, तो इसके लिए आपको पूरा नोट डाउन करते जाना है, और एग्जाम के एक दिन पहले वही नोट डाउन की हुई चीज को आपको मेमोराइज करना है, क्योंकि आपने लिखा है ना, और जो लिखोगे थोड़ा डिटेल में अच्छे से लिखना। ठीक है, तो एक तरीका आपको मोटा मोटी पढ़ने का मिला होगा, थोड़ा डेडिकेशन, सुबह से लेकर शाम तक आपको कैसे स्टडी करनी है, ये थोड़ा डेडिकेशन के साथ आपको काम करना पड़ेगा, एंड देन इस तरीके से फिर आपका होगा फायदा। ठीक है गाइस, सो थोड़ा ध्यान में रखो, मेहनत करो तभी आगे बढ़ोगे, बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, एंड तुम बहुत खतरनाक तरीके से धमाका मचाओगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स में ज़रूर आप शेयर करना, अगर अच्छी लगेगी वीडियो तो मिलेंगे किसी और ऐसे ही प्यारे से वीडियो में, और सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको देने वाला हूं, तो अपने चैनल में आप जुड़े रहो, सब कुछ फ्री में आपको मिल रहा है बढ़िया तरीके से, बस अच्छे से मेहनत करके पढ़ोगे ना तो बहुत आगे जाओगे, और अगर पढ़ोगे नहीं तो फिर तो प्रॉब्लम में आ जाओगे ना यार। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक यू, मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग न्यू इंडियन एरा, बाय बाय।